एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रोविंस के सुभाष वर्मा जी थे, उधमपुर के साड़ी पार्टी के अहदेदार साथी और बाकी मेरे मुलाजम साथियों, मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना भरोसा किया है और मिगी एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी दी है। तो मैं करेंगे, आज कौन सी एसोसिएशन बनाई गई है और क्या एजेंडा रहेगा इसका? मैं सुभाष वर्मा, प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। आज की जो हमारी बैठक यहाँ उधमपुर के अंदर हो रही है, जहाँ सिर्फ पीएचई कार्यकर्ता जो हमारे वो एकत्रित हुए हैं, और आज की मीटिंग का मुख्य कारण ये है कि पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर अपनी जितनी भी इकाइयाँ हैं पीएचई डिवीज़न में काम कर रही थी, उन सभी को भंग किया है। और नए सिरे से उनके चुनाव हो रहे हैं, वही एक कड़ी, वही एक प्रक्रिया जो हमने वो जारी रखते हुए आज उधमपुर में हम आए हैं। तो आज के जो पीएचई मैकेनिकल डिवीज़न उधमपुर और पीएचई मैकेनिकल डिवीज़न सिविल उधमपुर, ये दोनों इकाइयाँ हैं, उनके हम फ्रेश इलेक्शन करवा रहे हैं। और यूनानी मसली हम फैसला भी कर चुके हैं, निर्णय कर चुके हैं वर्कर्स, और ये हमारे नए पदाधिकारी जो हैं सिविल के लिए और मैकेनिकल उधमपुर के लिए, और ये इनका टेन्योर 2 साल का होगा। और मैं अपने जो नए चुने हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियो पर काम करेंगे, और हमारी तरफ से उनको यही कहना है कि ईमानदारी से आप काम करो। हमारी एसोसिएशन एक सामाजिक संगठन है, और ईमानदारी से काम करना और सक्रिय रहना आपका ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, और सबको इंसाफ देना है और ईमानदारी से काम करना है। मैं यही आज का दिन इनको कहना चाहता हूँ। और हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर समस्याएं तो होती रहती हैं और मांगें भी चलती रहती हैं, और उन मांगों का भी इन्होंने उनको चलाना है, उनकी हल उनको हल करवाना है, उनकी समस्याओं को भी हल करवाना है जो फील्ड में उनको प्रतिदिन उनका सामना करना पड़ता है। तो ये इनका ये लक्ष्य रहना चाहिए।